ठंड की रात में निराश्रितों को आश्रय देने के लिए बनाए गए शेल्टर होम किस तरह से सुविधा मुहैया करा रहे हैं, इसकी जमीनी हकीकत जानने की कोशिश ईटीवी की टीम ने ठंड की रात में की। वाराणसी के अलग अलग इलाकों में चल रहे शेल्टर होम्स में जब हम पहुंचे तो हम भी शॉक्ड हो गए, क्योंकि यहाँ पर जमीन पर गद्दे की जगह पर फटी हुई दरियां मिली और जो कंबल ओढ़ने के लिए मुहैया थे वो भी फटे थे। यहाँ तक कि कुछ लोग खुद कंबल लेकर पहुंचे थे। वाराणसी के कुछ शेल्टर होम की हकीकत जानने के लिए निकले हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं अलहीपुर रेलवे स्टेशन के पास बनाए गए शेल्टर होम में। लेकिन हकीकत क्या है इन सब के बीच? क्या ये सारी चीजें शेल्टर होम की है या फिर जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, जो यहाँ रुकते हैं वो लेकर आते हैं? क्योंकि आप सामने देख सकते हैं लोग कंबल लेकर खड़े हुए हैं। भैया क्या नाम है आपका? कमालुद्दीन। कमालुद्दीन, ये कंबल मेरी माँ का है और अपने घर से लेकर आए हुए हैं। ये नैन बसेरा है, सरकार मोदी का बना हुआ है। हमने समझा कि शायद बसेरा मिल जाएगा, लेकिन अपने घर से बिना कंबल ले आए कोई बसेरा नहीं मिलता सर। बिछा हुआ मिलता है लेकिन ओढ़ने के लिए नहीं मिलता है। भरी बाकस से भरा हुआ है लेकिन हमको मिलता नहीं है सर, इसलिए हम लोग को दिक्कत है। हमने एक रेन बसेरे की आपको हालत दिखाई जहां पर लोगों को खुद कंबल लेकर आना पड़ रहा था। अब हम टाउन हॉल में हैं जो यहां का शहर के बीचों बीच का इलाका है। हम इस वक्त इसी रैन बसेरे में हम आपको अंदर लेकर चलते हैं और इस रैन बसेरे की भी हकीकत दिखाते हैं। सवालों के बीच आपको इस रैन बसेरे की सच्चाई दिखाना बेहद जरूरी है। दरी बिछी हुई है, वो भी फटी हुई दरी, जिसमें जमीन साफ दिख रही है। कंबल की कोई व्यवस्था नहीं है, यह कंबल अपना जो भी है व्यक्ति ओढ़ के जो सो रहे हैं वो बाहर से अपना कंबल लेकर आए हैं। और फिलहाल यहाँ पर हकीकत है कि गद्दे नहीं हैं, ओढ़ने के कंबल नहीं हैं और सबसे बड़ी बात है कि सारी व्यवस्था सिर्फ नाम की है। शेल्टर होम है, छत है, लेकिन छत में सोने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ के केयर टेकर हैं, गद्दे हैं सर जो हमारे पास है और बाकी आने वाले हैं। तो अब तो शेल्टर होम तो आपके ठंड तो शुरू हुए एक महीना होने आ रहा है, तो शेल्टर होम की व्यवस्था अभी तक क्यों नहीं दुरुस्त हुई है? दुरुस्त जो है हम लोगों के साथ सर वो है, शेल्टर होम है हमारे नगर निगम के जो पीओ डूडा ने बनाया है, डूडा के अंतर्गत बने, वो भी अब इस बार आप देखेंगे कि पवनंतपुर में बिल्कुल अल्ट्रा मॉडर्न बहुत सारी सुख सुविधाओं के साथ में एक शेल्टर होम बना। इसके अलावा पूर्व में जितने भी शेल्टर होम थे वो सारे शेल्टर होम भी तैयार करके चालू करते हैं।